नमस्कार, आपण पाहत आहात SBN मराठी आणि मी वैष्णवी जाधव. एक नजर टाकूयात आजच्या हेडलाइन्सवर. आप हमारे लिए बहुत खास हो, इसलिए एयरटेल थैंक्स. और अगर आप एयरटेल पे नहीं हो तो सोच क्या रहे हो? RSSला हा देश नागपुरातून चालवायचा आहे, देशाच्या संविधानाला डावलण्याचा प्रयत्न, राहुल गांधींची टीका. हिंदुस्थानचा प्रधानमंत्री सिर्फ हिंदुस्थान को जोड़ने का काम कर सकता है और ये नहीं करेगा तो झगड़ा हो जाए. 2019 में नरेंद्र मोदी बीजेपी और आरएसएस को कांग्रेस पार्टी हराने वाली. हमारा कहना है कि हिंदुस्तान के जो इंस्टीट्यूशन है वो कांग्रेस पार्टी के नहीं, वो किसी पार्टी के नहीं, वो इस देश के इंस्टीट्यूशन है और वो सबके साथ. लोकसभा निवडणुकीआधीच काँग्रेसची मोठी घोषणा, सत्ता मिळाल्यास तिहेरी तलाक कायदा रद्द करणार महिला काँग्रेस अध्यक्ष सुष्मिता देव. मुझे पूरा विश्वास है राहुल गांधी जी के नेतृत्व पर, जब तक वो काँग्रेस पार्टी के नेता रहेंगे, इस देश के नेता रहेंगे, हम ऐसे किसी कानून को लागू नहीं होने देंगे इस देश में जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है. आप लोगों ने देखा हाल ही में एक ट्रिपल तलाक का कानून आया और उस कानून के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी ने कुछ ऐसा काम किया कि मुसलमान महिला को मुसलमान आदमियों से लड़ने का एक, मैं मानती हूँ, माहौल तैयार किया. बहुत लोगों ने हमें समझाया कि ट्रिपल तलाक बिल अगर पास होगा तो महिला का सशक्तिकरण होगा, पर हमने उस ट्रिपल तलाक कानून का विरोध इसलिए किया क्योंकि वो एक और हथियार है, वो एक और हथियार है जो नरेंद्र मोदी जी ने तैयार किया है मुसलमान पुरुषों को जेल में डालने के लिए और थाने में खड़ा कराने के लिए. सांगलीत महापौर चषक राज्यस्तरीय कबड्डी स्पर्धेचा थरार. 2007 नंतर पहिल्यांदाच महापालिकेकडून राज्यस्तरीय कबड्डी स्पर्धेचं आयोजन. अवैध संपत्ती खरेदी प्रकरणी रॉबर्ट वाड्रा पुन्हा ईडीच्या कार्यालयात, ईडीकडून 40 प्रश्नांची सरबत्ती. शेतात गाळ टाकताना मादीचे टिप्पर अंगावर गेल्यानं चुलता पुतणे जिवंत गाडल्याने मृत्यू, बीडच्या वाटुबा येथील धक्कादायक घटना. खासगी कॉन्ट्रॅक्टरने फोडली सांगली महापालिकेची पाईपलाईन, एक महिन्यापासून नागरिकांना टँकरने पाणी पुरवठा, प्रशासनाचे दुर्लक्ष. मुंबईत पोदार स्कूलच्या बसला गिअर ऐवजी बांबू, खार पोलिसांकडून बस चालकाला अटक आणि सुटका, विद्यार्थ्यांच्या जीवाशी खेळ. लोकशाही टिकवण्यासाठी प्रशासनाने जनतेची निवेदने उठून स्वीकारा, अण्णा हजारेंचा सरकारी बाबूंच्या प्रोटोकॉलला चले जाओ. आगामी लोकसभा निवडणुकांसाठी राजकीय पक्षांकडून दुरुपयोग होत असल्याचा व्हॉट्सअपचा दावा, दुरुपयोग होत राहिल्यास भारताची व्हॉट्सअपची सेवा लवकरच बंद होणार. आणि मुलीचा बुरखा परिधान केलेला फोटो पोस्ट केल्यानं संगीतकार AR रेहमान सोशल मीडियावर ट्रोल. हेडलाइन्स प्रायोजक सेवा सदन लाईफलाईन सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल. जागतिक दर्जाच्या सुविधा आता तुमच्या खिशाला परवडतील अशा. सांगली मिरज रोड, मिरज. हेडलाइन प्रायोजक आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे डॉक्टर BS भोसले यांचं आशा होमिओपॅथिक क्लिनिक. आजाराच्या मुळाशी पोहोचणारी आधुनिक उपचार पद्धत. निराश होताय कशासाठी? होमिओपॅथी आहे सर्वांसाठी. बँक ऑफ इंडिया जवळ शिवाजी रोड, मिरज. मेरा पहला 4G नेटवर्क था
एयरटेल यार, फिर मैंने छोड़ दिया। मैंने भी सस्ते वस्ते के चक्कर में मैंने नेटवर्क ट्राई किया, फिर पता चला जो मेरा पहला नेटवर्क था उसमें अनलिमिटेड फ्री कॉलिंग, ढेर सारा डेटा और फास्टेस्ट स्पीड है, इसमें तीनों चीजें एक साथ मिल रही है। वापस एयरटेल। एक्चुअली ना, बिल्कुल सही किया, सब कुछ ट्राई करना चाहिए, वरना सही गलत का पता कैसे चलेगा। या मैम। हाँ, मैं ही बोल रही हूँ, सब कुछ ट्राई करो फिर सही चलेगा।